मुजफ्फरपुर नगर निगम के उदासीनता के कारण पिछले कई वर्षों से वार्ड संख्या 45 के सोडा गोदाम रोड स्थित शिशु वाटिका गली के लोग नरकीय जीवन जीने को मजबूर हैं। गली के मुख्य सड़क पर लगे गंदे पानी में जल जमाव से लोग काफी परेशान हैं। लोगों को इस बात का भय सता रहा है कि यदि जल जमाव से मुक्ति नहीं मिलती है तो बड़ी बीमारी फैलने की आशंका हो सकती है। आने जाने में भी काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, जिसकी शिकायत निगम से कई बार करने पर डिप्टी मेयर डॉक्टर मोनालिसा द्वारा गली का निरीक्षण किया गया। पहले तो डिप्टी मेयर वहां की स्थिति देखकर दंग रह गई, फिर मोहल्ले वासियों से बातचीत कर जल्द समाधान का आश्वासन दिया। डिप्टी मेयर ने बताया कि जैसे ही नए नगर आयुक्त प्रभार ग्रहण करेंगे वह समस्याओं को लेकर उनसे बात करेंगी। वार्ड नंबर 45 सोडा गोदाम रोड शिशु वाटिका गली है। यहाँ के लोगों का कंप्लेन था, ये लोग मुझे एप्लीकेशन भी दिए हुए थे कि मैडम करीब 30 वर्षों से हम लोग जल जमाव की समस्या से परेशान हैं और मैं आई हूँ आज तो देख रही हूँ कि जल जमाव तो है ही, कीचड़ भी है और जो जल जमाव है इन्फेक्टेड वाटर भी हो गए हैं, नाले से पानी ओवरलैप होके आ रहे हैं। तो लोगों का कहना है कि मैडम इधर साइड से जो नाला आया है वो करीब 1.5 फीट ऊंचा है, ऊंचा होने की वजह से इधर का पानी नहीं निकल पा रहा है। तो मैं इंजीनियर नगर निगम के इंजीनियर साहब से बात करूंगी और वार्ड निरीक्षक से भी बात करूंगी कि सबसे पहले तो पानी की निकासी हो जाए और ब्लीचिंग पाउडर छिड़का दिया जाए ताकि किसी तरह का इन्फेक्शन नहीं हो और रोड और नाले बनाने की व्यवस्था मैं करूंगी। एप्लीकेशन इन लोगों के द्वारा आया है, नए नगर आयुक्त आते हैं, अभी ज्वाइन नहीं किए हैं, आते हैं तो मैं उनसे भी बात करूंगी और यहाँ के रोड नाले को बनाने की व्यवस्था करूंगी।